नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी, अब है न्यूज के 18 सितंबर शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नागदा के कसरावत की रहने वाली एक युवती के इलाज की मांग को लेकर परिजनों ने मेवाड़ अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया। 2 महीने पहले डॉक्टरों ने युवती का अधूरा ऑपरेशन किया था और फिर परिजन इंदौर ले गए थे। अब इंदौर के डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचे कर दिए तो परिजन युवती को उज्जैन लेकर आए। दरअसल कसरावत की निवासी यास्मीन पिता सिकंदर 4 जुलाई को घर में गिर गई थी। उसकी पीठ पर चोट आई थी। परिजन उसे उज्जैन के मेवाड़ अस्पताल लाए थे। यहाँ डॉक्टरों ने अधूरा ऑपरेशन कर युवती को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था। परिजन उसे इंदौर के MY अस्पताल ले गए थे। 2 महीने तक इलाज करने के बाद अब इंदौर के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। इसके चलते परिजन शनिवार को अस्पताल के सामने पहुंचे और प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि युवती का ऑपरेशन उन्होंने बिगाड़ा है तो इलाज भी वही करें। CSP विनोद कुमार मीणा मौके पर पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन से बात की। इसके बाद युवती को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। देर शाम युवती को उदयपुर के मेवाड़ अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। 4 जुलाई को मेरी बच्ची गिर गई थी चढ़ाव से गांव में, तो मैं हॉस्पिटल में लेके आया था, तो इन्होंने बताया कि कमर में क्रैक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी बच्ची, आपको बच्ची का भविष्य सुधर जाएगा। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए, ले जाने के बाद 2 घंटे तक अंदर रखी, क्या मालूम क्या करा इन्होंने। 2 घंटे के बाद मेरे को बुला रहे कि आपकी बच्ची को हमने ऑपरेशन रोक दिया है, या दवाई इन्फेक्शन हो गई, हमने कुछ इंजेक्शन वगैरह कुछ लगाया, तो इसको नॉर्मल होने में 3-4 घंटे लगेंगे और सुबह तक ये बढ़िया हो जाएगी। अब और सुबह 7 बजे उठ के बोलते हैं कि आपकी बच्ची को थोड़ा दिमाग पे असर हो गया। आप रस्ते में डॉक्टर भी बोले कि यार बच्ची की कंडीशन तो बहुत खतरनाक हो गई आपकी। फिर हम वहाँ इंदौर मयूर में लेके गए, मयूर में ले जाते डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, बोला इसकी कोई गारंटी, इसका 40,000 से 50,000 रोज का खर्चा होगा और महीने 6 महीने साल कोई कंडीशन इसकी ऐसी है कि कोई गारंटी नहीं इसकी ठीक होगी कि नहीं होगी। जिस दिन मैं लेके गया मयूर से उज्जैन वहाँ इंदौर और घर जाके डॉक्टर ने ऐसा बोला, मैं घबरा के वापस उज्जैन आया। उज्जैन आके मैंने माधवनगर थाने में भी आवेदन दिया था, कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिया और कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक भी कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला एक यहाँ पे अभी हमको सूचना मिली कि यहाँ कुछ धरना प्रदर्शन हो रहा है। मामले की जानकारी के बजाय हमने तहकीकात की तो हमको पता चला कि एक बच्ची है जिसकी अचानक तबीयत खराब हो गई यहाँ पे, तो उसको स्पाइन इंजरी थी तो उसके कारण तबीयत खराब हो गई। तो यहाँ पे क्योंकि उसका इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो उसको हॉस्पिटल द्वारा रिफ़र करने की बात हुई है कि उसको हाई स्पेशलिटी न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल के अंदर रिफ़र किया जाएगा, तो इसीलिए बस उसको भी रिफ़र करेंगे हम। तो बस यही मामला है। देखिए डॉक्टर से बात की मैंने, उस हिसाब से डॉक्टर लोगों का कहना है कि भाई वो ड्रग एलर्जी उनको हुई थी जिसके कारण ऐसा हुआ है। बाकी क्या मामला है उसकी तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद अगर कुछ ऐसे तथ्य पाए जाते हैं तो जरूर कार्रवाई होगी इसके ऊपर। जाते मानसून ने काफी हद तक शहर को जल संकट से फिलहाल मोहलत दे दी है। इंदौर और कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश के कारण गंभीर बांध में 50% पानी स्टोर हो गया है। इस पानी से शहर में जनवरी तक आसानी से जल सप्लाई हो सकेगी। रुक रुक कर खुल रहे यशवंत सागर के गेट के कारण गंभीर बांध में भी ठहर ठहर कर पानी आ रहा है। इसी कड़ी में शनिवार शाम 6 बजे तक बांध में 1125 MCFT पानी आ चुका था। बांध की क्षमता 2250 MCFT की है। इस हिसाब से बांध आधा भर गया है। हालांकि यशवंत सागर के गेट बंद होने के कारण बांध में पानी की आवक थम गई है। मौसम विभाग ने उज्जैन संभाग में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। संभाग के उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, आगर और मंदसौर में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इन जिलों में बिजली गिरने और चमकने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गहरा कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधि तेज रहने वाली है। इसी तरह 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिसके प्रभाव से महीने के अंत तक बारिश होने की संभावना है। फिलहाल शनिवार को उज्जैन में सुबह से दोपहर तक बारिश होती रही। दोपहर मौसम खुला लेकिन शाम होते होते फिर बादल घिराए। ईट राइट अभियान के तहत खाद्य विभाग ने 2 बेकरियों से 6 नमूने लिए। नागझरी स्थित बेमिसाल बेकर से टोस्ट निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्रियों के नमूने लिए गए। इनमें मैदा, शक्कर और तैयार 4 तरह के टोस्ट के सैंपल लिए। इसी तरह इंडियन बेकरी से टोस्ट के 2 नमूने लिए। टीम ने कायथा के कृष्णा ट्रेडर्स की भी जांच की। यहां से शक्करबूरा, मिर्च पाउडर के सैंपल लिए गए। यह नमूने जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं और वहां से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में रहने वाली एक महिला ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराया है। महिला और युवक की मुलाकात एक शादी में हुई थी और युवक ने उसे हरिफाटक ब्रिज के पास एक होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया था। महिला के पति ने उसे तलाक दे दिया था। दरअसल इंदौर की रहने वाली महिला की मुलाकात अहमदाबाद में रहने वाले फैजल शेख से हुई थी। 27 मार्च 2021 को फैजल शेख ने महिला को उज्जैन बुलाया और होटल संगम पैलेस में ले गया। यहां उसने महिला से बच्चे को मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया।
महिला ने हाल ही में ये बात अपने पति को बताई तो उसने तलाक दे दिया। महिला ने उज्जैन के महिला थाने में प्रकरण दर्ज कराया है। महाकाल मंदिर में जल्द ही ई सेंसर वाले गेट लगेंगे। स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये काम किया जाएगा। ये सेंसर गेट पहले दौर में VIP और प्रोटोकॉल वाले श्रद्धालुओं के लिए लगेंगे। यहाँ प्रवेश करने से पहले टोकन डालना होगा, इसके बाद ये गेट अपने आप खुल जाएंगे। फिलहाल इस तरह के गेट मेट्रो रेल एवं मेट्रो स्टेशन पर उपयोग होते हैं। महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बताया कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से योजना बना रहे हैं। इस संबंध में अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर का मुआयना किया है। जल्द ही गेट के बारे में फैसला कर लिया जाएगा। SP साहब के साथ में बैठक हुई और इस निरीक्षण भी किया गया। सभी एंट्रीज गेट निरीक्षण किया, कहां कहां इस तरीके के हाई सेंसर गेट लगना चाहिए। तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम इस प्रकार का प्रस्ताव लाने पर विचार करते हैं। जल्दी ही विगत तीन या चार दिन में हम प्रोसेस इसका स्टार्ट करते हैं। ये VIP प्रोटोकॉल और VIPs गेट के लिए हम लोग हेड काउंट और जो डिजिटल्स गेट्स हैं जिसमें उनकी संख्या ज्ञात हो जाएगी उनके लिए रहेगा, और आम श्रद्धालुओं के लिए हम हेड सेंसर्स लगाने का कार्य। इससे ये रहेगा कि अभी वर्तमान में जो समस्याएं छोटी मोटी दिखाई दे रही हैं, श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ अंतर आ रहा है, तो वो मुझे लगता है कि सभी श्रद्धालुओं को प्रोटोकॉल का पालन भी नियमानुसार होगा। करीब एक महीने पहले घटिया थाना क्षेत्र से अपहृत बालिका को पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसका अपहरण करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बालिका के अपहरण की रिपोर्ट उसके पिता ने 21 अगस्त को दर्ज कराई थी। उसके बाद से आरोपी बालिका को लेकर इधर उधर घूम रहा था। आखिर पुलिस को मुखबिर से सुराग मिला और उसने बालिका और उसके अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई थी। जालसाज शिरीन हुसैन के पकड़ाने के बाद अब वन स्टॉप सेंटर भी शंका के दायरे में है। अधिकारी सेंटर के प्रशासक एवं कर्मचारी से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। सेंटर के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। शिरीन के जालसाजी के पीछे वन स्टॉप सेंटर को कारण माना जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं कि सेंटर पर आने वाली शिकायतों को शिरीन तक फॉरवर्ड किया गया, फिर शिरीन को इन शिकायतों के मार्फत रुपए वसूलने का मौका दिया गया। अभी तक जिन चार मामलों में शिरीन ने लोगों से रुपया वसूला है, वह सभी पहले वन स्टॉप सेंटर पर आए थे। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सेंटर की प्रशासक आभा शर्मा, कर्मचारी ज्योति जाटवा और पूजा चावंड की भूमिका तलाशी जा रही है। माना जा रहा है कि वन स्टॉप सेंटर और शिरीन एक रैकेट की तरह काम कर रहा था। ज्योति को कुछ दिन पहले ही सेंटर से हटाकर उसकी जगह अनीता की पोस्टिंग की गई थी, लेकिन प्रशासक आभा शर्मा ने उसे जल्द ही विदा कर दिया था। अब अधिकारी यह तलाश रहे हैं कि कहीं इसके पीछे वन स्टॉप सेंटर पर चल रहा गोरख धंधा तो नहीं था। फिलहाल सेंटर के 6 महीने के CCTV डिटेल दिखी जा रही है। इससे यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शिरीन सेंटर पर कब कब आई, इस दौरान उसकी भूमिका क्या रही। अपने बेटे की बुरी आदतों से परेशान एक पिता ने उसे सुधारने के लिए खुद जुर्म का रास्ता अपना लिया। शुक्रवार को शराब तस्करी के मामले में पकड़े गए आरोपी ने दास्तान सुनाई तो पुलिस प्रशासन भी सकते में आ गया। दरअसल कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आशिक अली पिता बहादुर अली शाह उम्र 60 वर्ष निवासी लक्ष्मणपुरा शराब की तस्करी कर रहा है। पुलिस ने आरोपी को पूरा साहब नगर रोड से साइकिल पर 20,000 कीमत की 58 लीटर कच्ची शराब ले जाते पकड़ा। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया तथा अन्य अपराधों के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी ने कबूल किया कि मार्च महीने में हनुमान घाट बड़ा तालाब पर अंडे के छिलके फेंकने की घटना भी उसी ने की थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह अपने छोटे लड़के इलू से काफी परेशान था। इलू नशे का आदी है और आए दिन परिवार में विवाद करता है। आशिक ने योजना बनाई कि मैं किसी मंदिर परिसर में अंडे के छिलके फेंक दूं और वहां मेरे लड़के उसके साथियों का नाम उसमें लिखवा दूं ताकि मेरा लड़का और उसके साथी जेल चले जाएं। इसलिए उसने साथी राधेश्याम पिता पूरालाल मालवीय निवासी राम मालीपुरा से अपने लड़के और उसके साथियों का नाम लिखवा कर चिट्ठी बनवाई, इसे अंडे के छिलके सहित घटना स्थल पर रख दिया। इस मामले से आगर में तनाव होने पर पुलिस अधीक्षक आगर मालवा ने अज्ञात आरोपियों पर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। इस पूरे मामले को देखते हुए SP राकेश कुमार सागर का यह कहना है कि यह अपराध नगर की शांति भंग करने के लिए नहीं किया, अपने पुत्र से परेशान होकर किया था। तो उसके आधार पर पुलिस के द्वारा दोनों घटनाओं में कार्रवाई की गई। तो इस प्रकार एक पिता होने के नाते उसका ये कहना था कि चूंकि हमने अपने बच्चे को सुधारने के लिए सब किया है, तो हालांकि ये कृत्य बहुत ही गलत है क्योंकि इसे सांप्रदायिकता में उन्माद की घटनाएं होके और एक देश प्रदेश को प्रभावित कर सकती है। इसमें पुलिस के द्वारा तीनों अपराधों में कार्रवाई की गई है। इस पर मेरे द्वारा 10,000 का इनाम घोषित था जो पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया और सभी को प्रस्तुत किया गया है।
आजादी के अमृत महोत्सव में जैव विविधता नर्सरी में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक पारा जैन व राजीव पहावा खास तौर पर उपस्थित थे। विधिक सेवा प्राधिकरण ने शहर एवं तहसील में विधिक शिविर आयोजित किए। इसमें आम जनता के लिए उपयोगी कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। गणेश विसर्जन के लिए नगर निगम प्रतिमाएं कलेक्ट करेगा। यह प्रतिमाएं शहर के प्रमुख घाटों पर एकत्र की जाएगी। बाद में इन प्रतिमाओं को कालेदह पैलेस के आगे विसर्जित किया जाएगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपका हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।